अनलाइक अस, हमारे पेट्स को रेगुलर बाथ की ज़रूरत नहीं होती है। गर्मियों में हमको उनको 10 से 15 दिन के बाद नहलाना चाहिए, और जो यही टाइम है सर्दियों में, हम ये टाइम 20 दिन से लेके 30 दिन का भी डाल सकते हैं। सो दिस इज़ डॉक्टर अनिरुद्ध मित्तल, और आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि आप जब अपने पेट्स को नहलाते हैं आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि अगली बार जब आप उसको कहीं बाथिंग टाइम कहें अपने पेट को, ताकि वो बेड के नीचे जाके छुपे ना। ब्रशिंग। पेट को नहलाने के वक्त जो सबसे पहला स्टेप है वो है उसकी बॉडी में ब्रश करना। ब्रश करने का पर्पस क्या होता है कि जब आप उसकी बॉडी के अंदर जब उसके ब्रश करेंगे तो जो उसके हेयर्स के अंदर जो एक तरीके से जो गुंजले पड़ी होती हैं, जो टैंगल्ड हेयर्स होते हैं, वो हम रिमूव करते हैं। अब ब्रश करने के वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपको ब्रशिंग करनी है वो हमेशा जो हेयर्स की डायरेक्शन है उसी की तरफ करनी है। दैट मीन्स कि अगर आपका पेट का हेड इस तरफ है और टेल इस तरफ है, तो आप उसकी हेड टू टेल इस तरीके से उसकी ब्रशिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि उसके जो गुंजले हैं वो इजीली निकल भी जाएंगी एंड आपके पेट को कोई पेन भी नहीं होगा। और जो ये बाथिंग का जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हमको इस तरीके से मैनेज करना होता है कि आपके पेट को मज़ा आए। अगर उसको थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट फील हुआ तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्या करेंगे, उसको बुलाएंगे तो वो भाग जाया करेगा, कभी भी नहाएगा नहीं। अब ब्रशिंग करने के बाद जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो चीज़ क्या है कि आप अपने कान, जो पेट के जो कान हैं उसके अंदर कॉटन डालेंगे। अब कॉटन आपको कैसे डालनी है, आप कॉटन लेंगे, उसके बॉल्स बनाएंगे एंड अपने पेट के कानों के अंदर डाल देंगे। अब उसका कारण क्या होता है कि जब भी आप अपने पेट को नहलाते हैं तो एक्सीडेंटली गलती से उसके कानों के अंदर पानी चले जाता है, तो कॉटन क्या करेगा, अगर थोड़ा बहुत पानी जाता भी है एक्सीडेंटली, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब आपके पेट के कान के अंदर अगर पानी चले जाता है, उसका नुकसान क्या है कि जब भी पानी कान के अंदर जाएगा तो वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देगा बैक्टीरिया के लिए, जिससे कि वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा। अब अगर कान के अंदर बैक्टीरिया ग्रो करता है वो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। तो जनरली होता क्या है ना कि जो ड्रूपिंग ईयर्स, जिन पेट्स के अंदर जो डॉग ब्रीड्स की जो ड्रूपिंग ईयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लैब्राडोर्स हो गए, बीगल हो गया, कॉकर स्पैनियल हो गया, इनके जिनके ड्रूपिंग ईयर्स होते हैं उनके अंदर जब पानी चले जाता है वो इजीली इवेपोरेट नहीं हो पाता है। जो कान, उसने जो कान कवर किया होता है वो उसको पानी को इवेपोरेट नहीं होने देगा। तो इसलिए हम कॉटन जनरली प्रेफर करते हैं डाल दें, ताकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले और उसकी कोई इन्फेक्शन ना हो। अगर इन केस कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो पेट है वो जनरली क्या करेगा, हेड को शेक करेगा या कान को थोड़ा, हेड को थोड़ा टिल्ट करके रखेगा, या अगर कोई सीवियर केस हो उस सीवियर केस के अंदर क्या करेगा, मतलब आपका पेट, उसको पेन होगी, तो जब उसको पेन होगी तो वो स्क्रैच करने की कोशिश करेगा अपने कान को बहुत ज़्यादा। वाटर पोरिंग। अपने पेट को नहलाने के लिए आप हमेशा ल्यूक वॉर्म वाटर यूज़ करेंगे। अब ल्यूक वॉर्म वाटर क्या होता है, जो थोड़ा कोसा कोसा सा गुनगुना सा जो पानी होता है। अब उसका आप कैसे पता करेंगे, अगर आपने जैसे गुनगुना पानी लिया, आप अपने हाथ का जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा पानी में डाल के देखिए, अगर तो आपको इस हिस्से के अंदर थोड़ा सा प्लेजेंट सा लग रहा है कि कोई आपको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स कि वो पानी आपके पेट के लिए सही है। अब आप पानी ले लिया आपने, अब आप क्या करेंगे, अब आप अपने पेट को टेल से लेके हेड तक बाथ देंगे, मतलब पानी डाल देंगे उसके पूरी बॉडी के अंदर, हेड के टेल से लेके सॉरी नेक तक। हेड के अंदर आप हमेशा एंड में पानी डालेंगे, क्योंकि जब भी आप उसके हेड के ऊपर पानी डालेंगे तो वो हमेशा अपनी बॉडी को शेक करना स्टार्ट कर देगा, तो उससे क्या कि मतलब वो थोड़ा काबू सा नहीं आएगा, थोड़ा वो मतलब हिले डुलेगा ज़्यादा। तो इसलिए आपने क्या करना है, टेल से लेके नेक तक पानी डाल लिया। अब नेक तक पानी डालने के बाद शैम्पू लीजिए, शैम्पू को आप टेल से लेके नेक तक लगा दीजिए एक बार। अब शैम्पू आपने लगा दिया, अब शैम्पू लगाने के बाद आप उसको अच्छे से मतलब उसकी मसाज करेंगे, ताकि थोड़ी सी उसकी फोम या थोड़ी सी झाग बने। अब झाग का भी क्या सिस्टम है ना, ये शैम्पू टू शैम्पू वेरी करेगा कि किसी शैम्पूज की झाग कम बनती है, किसी शैम्पूज की झाग ज़्यादा बनती है। नॉर्मली जो मेडिकेटेड शैम्पूज होते हैं उनकी झाग कम होती है, एंड जो नॉर्मल शैम्पूज होते हैं उनकी झाग ज़्यादा होती है। लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं करना मेडिकेटेड शैम्पू लेके कि आपको लगे कि इसकी झाग नहीं बन रही, अब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करी जाए, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा सा ही यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जब आपने उसकी झाग बना दी है, फिर अब आप क्या करेंगे, उसके हेड के ऊपर फटाफट थोड़ा सा पानी डाल के बड़े जेंटल, बड़े आराम से उसके हेड के ऊपर थोड़ा सा शैम्पू हाथ में लेके उसके नॉर्मल उसके हेड को अच्छे से मसाज करके उसको साफ कर देंगे। अब जब आपको पानी डालना है दोबारा से उसको साफ करने के लिए, अब आप स्टार्ट उसके हेड से ही करेंगे। उसके हेड के ऊपर से आपने फटाफट उसको जैसे मसाज अभी किया था, फटाफट पानी डाल के उसको क्लियर कर दिया। अब उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसको हेड से लेके टेल तक उसको फिर पानी से उसको एक बार साफ कर देंगे। अब जो ये पूरा प्रोसेस है, इसको थोड़ा आराम से, थोड़ा जेंटल तरीके से करना है, ताकि उसको मजा आए, उसको ज्यादा ऐसा ना लगे कि उसको थोड़ा सा उसके साथ धक्का सा हो रहा है ना। अब उसके बाद जब आपने शैम्पू लगाया होता है, शैम्पू को आपने हमेशा 10 से 15 मिनट के लिए रखना होता है। उसका पर्पस क्या होता है कि जो भी कोई शैम्पू, अगर सपोज कोई मेडिकेटेड शैम्पू है या कोई शैम्पू ऐसा है जिसके अंदर कंडीशनर है, तो हम क्या चाहते हैं कि वो 10 से 15 मिनट रखकर उसकी जो बॉडी है, उसकी जो स्किन है, उसकी जो मेडिकेशन है, उसका जो कंडीशनर है, उसको एब्जॉर्ब करे। ड्राइंग। बाथिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है अपने पेट को नहलाने के बाद सुखाना।
एंड यहीं पर ही मोस्ट ऑफ द पेट पेरेंट्स जो है वो मिस्टेक करते हैं, वो क्या करेंगे, नहला दिया, नहलाने के बाद उसको टॉवल से मतलब थोड़ा सा ऊपर ऊपर से साफ कर दिया एंड उसके बाद धूप में छोड़ दिया कि जी अपने आप सूख जाएगा। और फिर इसी के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कंप्लेंट्स सुनने को आती हैं कि जब से हमने अपने पेट्स को नहलाया तब से वो थोड़ा एक्टिव नहीं है, सुस्त सुस्त सा रह रहा है और थोड़ा मतलब ऐसे ही पड़ा रहता है सारा दिन। तो अब आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने पेट को नहलाएं उसको गीला करके उसको अच्छे से आपने सुखाना है। अब सुखाने का क्या, आप कैसे सुखाएंगे कि आपने टॉवल लिया, टॉवल लेने के बाद आपने टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द हेयर मतलब सिर से लेके टेल तक आपने एक तो इस तरीके से उसको टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द हेयर में आपने सुखा दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द हेयर, अब टॉवल लिया, टॉवल को टेल से लेके हेड तक अच्छे से ऐसे भी आपने उस पर एक बार साफ करना है। अब उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, हेयर ड्रायर्स यूज़ करने। अब नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे पास घर में हेयर ड्रायर्स होते हैं हमारे पास वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं, जो प्रोफेशनल पेट ग्रूमिंग सेंटर्स होते हैं उनके पास थोड़े पावरफुल हेयर ड्रायर्स होते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होते हैं लाइक अपने पेट को सुखाने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास घर में अगर नॉर्मल कोई भी हेयर ड्रायर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप अपने उसको जब टॉवल से टूवर्ड्स एंड अगेंस्ट डायरेक्शन आपने इसको एक बार सुखा दिया मतलब अच्छे से साफ कर दिया है, अब आप यूज़ करेंगे हेयर ड्रायर को, अब हेयर ड्रायर से भी अच्छे से उसको सुखा देंगे। ब्रशिंग, तो अब लास्ट में जब आपने उसको ड्राई भी कर दिया, नहला दिया, सब कुछ हो गया, लास्ट में अपने पेट को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि जब हम उसको ड्राई करते हैं तो जो हेयर्स हैं जो अपने पेट के वो नॉर्मली थोड़े से उलझने पड़ जाती हैं। तो ड्राई करने के बाद या तो आप ड्राई करते करते साथ के साथ ही ब्रश भी कर सकते हैं या नहीं तो ड्राई करने के बाद एक बार उसको एंड में ब्रश जरूर कर दीजिए ताकि जो थोड़े बहुत एंटेंगल्ड हेयर्स भी होंगे, थोड़े बहुत जो गुंजले पड़ी भी रह गई होंगी वो भी एंड में निकल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है एंड आपको लगा कि इस वीडियो के कंटेंट से आपको हेल्प हुई है देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर। एंड मैं वीकली इंटरवल पे ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहता हूँ, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पेट के रिलेटेड कोई भी, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, देन प्लीज़ कमेंट डाउन।